हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आशु। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर ऑल डूइंग वेरी ग्रेट। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल आशु, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू एवरी वन डैट यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है कि अगर आप एक एक्टर है, ठीक है, और एक्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबने सुना होगा एंड मैंने भी सेट पे इम्प्रोवाइज किया है डायलॉग्स को, सीन्स को, तो उसी को लेकर मैंने सोचा कि बहुत ही अहम टॉपिक है, क्यों ना इस टॉपिक को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी तक के बीच में इस वीडियो YouTube के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं आपका अपना चैनल आशु के चैनल पे। इम्प्रोवाइजेशन जो नाम की जो चिड़िया है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका जो क्राफ्ट है, जो आपका टैलेंट है, वो आपके पकड़ में हो एज एन एक्टर। क्योंकि बड़े बड़े कलाकार तो करते ही है, और इसमें आई थिंक ये एक्टिंग का जो जर्नी है, जो एक्टिंग जब हम करते हैं तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। आपका काम बोलता है, आपका टैलेंट ही सब कुछ बोलता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे चाहने वालों, तो जी हाँ दोस्तों, अपने क्राफ्ट पे काम करें, टैलेंट पे काम करें, एंड हाँ, कोशिश करें कि जब भी आप कोई सीन करें तो 101% करने की कोशिश करें एज एन एक्टर। तब वो चीज जो क्रिएट होगा ना, वाह 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 वाह, आउटस्टैंडिंग होगा दोस्तों, मेरी बात को मानो। तो इम्प्रोवाइजेशन की जो चिड़िया है, वो आप तभी कैच कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्राफ्ट मजबूत हो, पकड़ में हो। अब आप लोग बोलेंगे कि मजबूत पकड़ में क्या हो, यानी कि आपको काम आना चाहिए दोस्तों। लाइन्स पढ़ के, लाइन्स कैमरे के सामने बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस कैरेक्टर को जीना, उस किरदार में जीना, वो लगना चाहिए नेचुरली कि आप जी रहे हो वो कैरेक्टर, वो किरदार। और एक्टिंग के साथ में, लाइंस के साथ में आपको डिक्शन का भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अभी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि मेरी हिंदी कितनी साफ है, कितना प्रॉपरली मैं आप लोगों के साथ में बातें करता हूँ, तो ये डिक्शन है। डिक्शन में फ़र्क होता है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी सेट पर हमसे भी गलतियाँ होती है, हम कोई ऐसे, मैं कभी अपने आप को ऐसा कहा नहीं हूँ कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, बस हाँ मैं एक्टर हूँ और मैं भरपूर मात्रा से काम करता हूँ एज एन एक्टर, बस आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग एंटरटेन हो और मुझे इसी तरह प्यार देते रहे, सम्मान करते रहे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट हाँ हाँ हाँ, चलो मुद्दे पे आते हैं। इम्प्रोवाइज आप सब कर लेंगे, बट इम्प्रोवाइज के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट आना चाहिए। अब मान लो कि एक डायलॉग है, एक शादी का सीक्वेंस है, और शादी में आपको आ करके दूल्हा आपके सामने है, दूल्हा को कहना है कि भाई शादी मुबारक हो, तो आप जिस हिसाब से आओगे और बोलेंगे अरे भाई आपको बहुत बहुत शादी मुबारक, यार आपकी शादी है, शादी की बहुत बहुत बधाइयां मेरे तरफ से, इतना ही डायलॉग था। लेकिन आप इसको इम्प्रोवाइज करने की अगर कोशिश करें, अगर वहाँ पर इम्प्रोवाइज का क्यों दिया गया है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इस डायलॉग को आपको इम्प्रोवाइज करते रहना है, बातें करते रहना है, कुछ ना कुछ लगे रहना चाहिए, जब तक कट ना हो तो आपको लगे रहना चाहिए। और भाई शादी मुबारक हो, अरे यार इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है कि यार मैं जैसे ही आया ना ब्रो, तो डेकोरेशन देखते साथ ही क्या मज़ा आ गया। बाय द वे भाभी को भी देख के मज़ा आ गया, भाभी भी बहुत अच्छी है यार। हाँ, और कैसे हो तुम? और सब बढ़िया है यार। तो शादी के बाद का क्या प्लान है, कहीं घूमने उमने जाओगे भाभी को लेकर? कहीं आप कौन से ट्रिप पे जा रहे हो? तो ये देखो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया, मैंने अभी जस्ट जो किया ये इम्प्रोवाइज था। तो ये इम्प्रोवाइजेशन ऐसा होता है कि डायलॉग्स इतना ही लिखा था कि भाई आपको शादी मुबारक हो, लेकिन मैंने कहाँ से कहाँ तक ले गया, देखा आपने? ये होता है इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन नाम की जो चिड़िया है ना, आप वहाँ तक तब पहुँचेंगे जब आपका बेसिक क्राफ्ट पकड़ में हो, एम आई राइट? और बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हम सबका होगा। हम भी एक्टर हैं, और जितने भी मेरे आर्टिस्ट इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, उन सबका मैं सम्मान करता हूं, उन सबको मैं बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं। कोशिश करें, मेहनत करें, आगे बढ़े, यही सोच रखिए। एंड यही था आज का वीडियो,
और इसी तरह मैं और भी कोई नए टॉपिक पर वीडियोस लाते रहूँगा। बट प्लीज़ 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 जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस दिस बेल नोटिफिकेशन आइकन। ओके, लव यू ऑल गाइज़।